अपनी पसंदीदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज, बेल आइकन को दबाएं। बुड्ढे हमने कहा था ना, नाम है हमरा राका, अब हम आ रहे हैं डालने डाका। बादशाह, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे। इसकी मैया का मजा तो अधूरा रह गया। मारो, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं बापू, नहीं बापू, तुम नहीं बच सकते। अरे रामू काका का राका ने खून कर दिया, देवकी का कुछ पता नहीं कहां गई। कहां गई होगी? अरे राका तुम आओ। अरे वास ससुर का इंग्लिश घर बना है। अरे आओ राका बैठो। जंगल का शेरा शहर में कैसे? अच्छी शराब पिए और अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गया। हमने सोचा हम भी शहर में रह के सेहत बना लें। अच्छा तो लो खाओ। अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है। तो लो पियो। अब बताओ क्या करके आए हो? एक बुड्ढा साला अपनी मौत मारा गया। कौन था? और रामू तुम्हारे सेठ की जमीन का चौकीदार। लेकिन जमीन पे तो अपना ही कब्जा है ना। और किसका हिम्मत है जो शेर का मुंह से मांस का टुकड़ा ले जाए। हमारे आदमी रोज गांव वालों को हमारा नाम याद दिलाते रहते हैं दनादन। लेकिन तुम्हें यहाँ बड़े ध्यान से रहना होगा। मगर हम खाली नहीं बैठ सकता, हमारे मतलब का कोई काम बताओ। काम भी बताएंगे, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है। तुम अभी दवाई खा लेना, बाद में दूध पीना भी मत भूलना। भारी चीज उठाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? और हाँ, बड़े भैया आकर खाना बना लेंगे। हे मेरी माँ, तुम कोई फॉरेन टूर पे जा रहे हो 8 घंटे की नौकरी करने के लिए? यूँ गए और यूँ आए? अरे भाई पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना। तो इसमें तकलीफ तुम्हें होगी या मुझे? वो तो तुम्हें होगी, काश मैं तुम्हारी तकलीफ में हिस्सा ले सकता। चलो अब जाओ। क्या हुआ? मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, आप मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। भगवान ने सब ठीक कर दिया। अरे लेटी रहो लेटी रहो लेटी रहो। बहुत प्यारा मुन्ना है, किस पर गया? तुम पर या बाप पर? आप कौन हैं? मैं धनराज हूँ। तुम खर्चे वर्चे की फिक्र मत करना, तुम्हें इस वक्त ना अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? मालूम नहीं। ओले ओले
ओले ओले ओले, देखते ली मम्मी क्या कहती है, कहती है उसको मालूम ही नहीं है। अब सुनिए, आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनके कपड़े बदलने हैं। हाँ जी, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर बैठा हूँ, जैसे काम कर लेंगे मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा मेरे बच्चा, आराम से आराम से, आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता, हाँ आराम से। अरे भैया, किरण कहाँ है? तू परेशान मत हो बहू, अमर तू जाके किरण को लेके आ, मैं चल रहा हूँ, मैं हूँ ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भैया, किरण भैया कह रहे ना बहुत जरूरी है, मैं उन्हें भी बुला के लाता हूँ, आप भाभी का ख्याल रखिए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, आ बैठा, हिम्मत बेटा हिम्मत। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, ये वो डोंट वरी, हम लोग हैं, आप इनके नाम की पर्ची निकाल कर फर्स्ट फ्लोर में वार्ड नंबर 104 में आइए, नर्स इनको वहां लेकर जाओ। आइए जाइए। लड़का है लड़की, वैसे मेरी नजर में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, वैसे क्या हुआ है? I'm sorry. वो बच्चा माँ के पेट में ही मर चुका था। बच्चा माँ के पेट में मर चुका था, लेकिन माँ खतरे से बाहर है, मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, उसको अब आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर यशोदा को होश आने के बाद पता चला कि उसकी गोद सूनी हो चुकी है तो ये बच्ची, डॉक्टर साहब ये बच्ची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पागल हो जाएगी। अब ईश्वर की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है? डॉक्टर साहब अभी अभी ये जिस औरत को लाए थे वो औरत वार्ड में इस पर्ची के साथ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी, एक बदनसीब मां, एक मां अपने मासूम बच्चे को अपनी गोदी में खिलाने के बजाय एक अनाथ आश्रम में डाल देना चाहती है। डॉक्टर साहब एक विनती करो, इस मासूम को अनाथ आश्रम में डालने के बजाय अगर यशोदा की गोद में डाल देंगे तो इस बच्चे को मां की गोद मिल जाएगी और मां को। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो धनराज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ जाइए, जाइए। देख कितना प्यारा मुन्ना है, आजा।